क्या आपने कभी सफेद मोर को देखा है? क्या आपने कभी कलरफुल मोर को देखा है? या फिर क्या आपने कभी छोटे पंखों वाले मोर को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, इसलिए आज हम लेकर आए हैं मोरों की 5 ऐसी प्रजातियां जिनको शायद ही आपने देखा होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में घंटे वाला बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, ग्रीन पीफाउल। जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है कि ये ग्रीन कलर के होते हैं। दोस्तों, ग्रीन पीफाउल 80% हरे रंग के होते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं। दोस्तों, इनकी लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती है। ये पीफाउल जमीन पर अपना घोंसला बनाकर उसमें 3 से 6 अंडे देते हैं और उन अंडों की देखभाल करते हैं। ये खाने में मेंढक, छिपकली को पसंद करते हैं। ग्रीन पीफाउल सांप का भी शिकार कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4, ग्रे पीकॉक प्रजन। इस पक्षी को सबसे सुंदर पक्षियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये मोर काफी नाजुक होते हैं। दिखने में ये ज्यादा रंग बिरंगे नहीं लगते, लेकिन फिर भी काफी सुंदर होते हैं। दोस्तों, इनकी लंबाई 76 सेंटीमीटर तक होती है। अगर बात करें इनके खाने की, तो इन्हें खाने में छोटे कीड़े, पेड़ की पत्तियां, छिपकली, मेंढक पसंद होते हैं। उसका गेस नंबर 3, व्हाइट पीफाउल। दोस्तों, व्हाइट पीफाउल देखने में बहुत सुंदर होते हैं। दोस्तों, इनकी आंखें नीले रंग की होती हैं। दोस्तों, जब ये छोटे होते हैं तब यह पीले रंग के होते हैं और इनके पंख सफेद रंग के होते हैं। उसका गेस नंबर 2, गोल्डन पीफाउल। दोस्तों, ये पक्षी कम ही दिखाई देते हैं। ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। इनकी बॉडी नीले रंग की होती है, जबकि इनके पंख गोल्डन कलर के होते हैं। इनके अंगे भी गोल्डन कलर के होते हैं। उसका गेस नंबर 1, एशियन पीकॉक। ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ये ज्यादातर इंडिया में ही पाया जाता है। दोस्तों, इनके पंख ब्लू कलर के होते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की, तो इनकी लंबाई 100 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे वाला बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। ठीक है।